ऐसे जानवर और परिंदे जो कि इंसानों की तरह अपनी खुराक का जखीरा करते हैं। व्यूअर्स, इंसान अपनी खुराक को लेकर बहुत हसास रहते हैं, मगर ये हसासियत सिर्फ इंसानों के अंदर ही मौजूद नहीं होती, बल्कि रूए जमीन पर ऐसे बेशुमार जानवर और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और परिंदे भी मौजूद हैं जो अपनी खुराक को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे चींटी इंतहाई छोटी सी इंसेक्ट है, लेकिन हर साल मौसम गर्मा में और मौसम सरमा के लिए खुराक का जखीरा कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे चंद जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह खुराक की जखीरा अंदोजी में माहिर तस्वर किए जाते हैं। व्यूअर्स, जानवरों में खुराक जखीरा करने की जहानत रखने वालों में चिरिंद, परिंद और आबी मखलूक तीनों शामिल हैं। जैसा कि गुलहरी जो अखरोट जखीरा करती है, हैमस्टर नामी चूहा जिसके गले में थैलियाँ होती हैं जिनमें वो गला भर के ले जाता है और खुफिया मुकाम पर इस खुराक को स्टोर कर देता है। वुडपेकर नामी परिंदा जो दरख्तों में सुराख करके घोंसला बनाता है और अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ खुराकें जमा करता है। इसके अलावा रूक्स नामी को अभी खुराक करके जखीरा अंदोजों में शामिल है। दोस्तों, इंसानों ने तकरीबन 10,000 साल पहले ज़राअत का निज़ाम कायम किया था, मगर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला ज़री निज़ाम इंसानों ने नहीं बल्कि चींटियों ने 50 मिलियन साल पहले एलजी की लबाब नामी फसल काश्त की थी। डैमसल फिश नामी मछली कैरेबियन सी और इंडोनेशियन सी में पाई जाने वाली एक नायाब स्पीशी है। इस मछली की खसूसियत में अपनी खुराक को खुद पैदा करना शामिल है। ये मछली एलजी की एक खास किस्म को समुन्द्र की तह में काश्त करती है और इसका छोटा सा बाग बनाती है, जिसके लिए ये मछलियाँ अपने परों का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। ज्यादातर परिंदे और जानवर मौसम गर्मा और मौसम खिजा में खुराक की जखीरा अंदोजी करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मौसम सरमा में खुराक की कमी वाकई हो जाती है, जिसके नतीजे में जानवर गजाई किल्लत का शिकार होकर हलाक होने के खतरे से दोचार हैं। आइए देखते हैं चंद जानवरों को जो इंतहाई दिलचस्प अंदाज में जखीरा अंदोजी करते हैं। जैसा की गुलहरियाँ, अक्सर गुलहरियाँ मौसम खिजा में खुराक जमा करते हुए हमें दिखाई देती है। गुलहरियों की पसंदीदा गजा अखरो है, जिसमें अमरीकी अखरोट बीच नट शामिल है। गुलहरी कभी भी अपनी खुराक एक जगह जमा नहीं करती है, बल्कि छोटे छोटे खुफिया जखीरों में जमा करती है। एक गुलहरी साल में औसतन 1,000 खुफिया खाने खुराक के बनाती है। चिमनक नामी अमरीकी गुलहरी साल में 60,000 से जायद खुराक के टुकड़े जमा करती है। मोल्स नामी छोटा सा जानवर अक्सर जेर जमीन रहता है। इस जानवर की खुराक छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। गर्मियों में तो इस जानवर को खुराक के हसूल में कोई दुश्वारी नहीं होती, ताहम सर्दियों में सख्त मौसम में जब कीड़े मकोड़े नायाब हो जाते हैं तो ये जानवर स्ट्रेटजी इख्तियार करता है कि एक छोटा सा कैद खाना मट्टी के अंदर ही बनाता है और हशरात को जिंदा इन कैद खानों में कैद कर देता है। हस्बे जरूरत सर्दियों में कैद खाने से एक कीड़ा खाकर अपनी गिजाई जरूरियात पूरी करता है। एक कैद खाने में मोल्स के पास 400 से जायद कीड़े मौजूद होते हैं। परिंदों में खुराक की जखीरा अंदोजी में कौओं की एक खास किस्म कोरोवाइट को खास अहमियत हासिल है। ये कौओं की सबसे जहीन किस्म होती है जो इंसानी चेहरों को भी याद रख सकती है। ये कौवा मौसम सरमा और मौसम खिजा में फ्रूट्स और कीड़े मकोड़े जमा करता है और पाइन के बड़े बड़े दरख्तों में छिपा देता है। मौसम सरमा बच्चे खुचे जखीरा पर अपना गुजारा करता है। बर्फानी खितों में खुराक जमा करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, लेकिन बर्फानी भालू भी कमाल का जानवर है जो इंतहाई नामुसाइद हालात में भी अपनी खुराक हासिल कर लेता है। भालू की खुराक ज्यादातर मछलियां होती हैं। भालू मछलियां खाकर अपने पेट के अंदर फैट्स यानी चर्बी की सूरत में खुराक जखीरा करता है और बवक्ते भूख चर्बी पिघलाकर अपना गुजारा कर लेता है। एक भालू की औसत उम्र 20 साल है। खुराक जमा करने वालों में ऊंट भी शामिल है जो 17 दिन तक पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। ऊंट पानी का जखीरा अपने कोचवान में करता है और हस्बे जरूरत इस्तेमाल करता रहता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।